क्या है। नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। हमारे पीछे अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है, जहां पे आज दिनांक 3 तारीख को बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार से सांसद संजय जायसवाल को सम्मानित किया है। और उनके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि संजय जायसवाल को 21 सर्वश्रेष्ठ सांसद में सबसे ऊपर नवाजा गया है। उन्हें पहले स्थान पर रखा गया है, जिसको लेके आज यहाँ पे एक आयोजन किया गया, जिसमें उनकी उपस्थिति तो नहीं हो पाई, पर बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने उन्हें सम्मानित किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि भारत में जो किसी ने ठीक कहा था कि भारत जो है वो 2021 में विश्व गुरु बनेगा, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने सभी डॉक्टर और साइंटिस्ट को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने विदेशी नहीं अपना देसी, उन्होंने अपना देसी दो दो वैक्सीन को आज शुभारंभ करने के लिए अनुमति दिया है। मैं सहृदय बिहार वासियों के तरफ से उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और उस वैक्सीन को रख रखाव करने का जो बिहार का जिम्मा माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भाई मंगल पांडे जी ने काफी परिश्रम से, जिन्होंने सारे डॉक्टर्स ने जो परिश्रम किया है कि 07 पर उसको रखना है, उसकी सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी, इसके लिए भी मैं उनको सहृदय धन्यवाद देती हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे छोटे भाई संजय जायसवाल जी, जो एक प्रतीक है कि कोई भी आदमी काम ठान ले तो कम नहीं होता है, हमेशा विजयी होता है। और कहा गया है, कर अपने को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। और आज उनके मेहनत परिश्रम के कारण उन्होंने दो दो पत्रिकाओं में बेस्ट सांसद का अवार्ड लिया है। मैं हृदय उन्हें धन्यवाद भी देती हूँ, उनको बधाई भी देती हूँ और आशीर्वाद भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से बिहार की मुख्यमंत्री रेणु देवी ने सांसद संजय जायसवाल को सम्मानित करते हुए ये अच्छे शब्द कहे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।